हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 के रिजल्ट के ऊपर और आरआरबी का जो लेवल 4 का रिजल्ट है इसके ऊपर। दोनों के रिजल्ट आ गए हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ है। ऊपर नीचे ये है कि मैं कोलकाता से मैंने फॉर्म भर रखा है, और कोलकाता की बात करूँ तो लेवल 6 की जो कट ऑफ है वो 75.66 के आसपास गई है, और जो लेवल 4 की कट ऑफ है वो 76 पॉइंट समथिंग है, मतलब एक 75 है और एक 76 है, ऐसे आप जान लीजिए। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो बाकी आप ओबीसी एसटी सबकी कट ऑफ ने देखी ली होगी, ठीक है। तो लेवल 6 में जो मेरे नंबर थे वो 92 नंबर थे लेकिन लेवल 6 में तो नाम है, और उसके बाद लेवल 4 में 81 पॉइंट समथिंग थे, 81 मान के चलिए, और लेवल 4 की लिस्ट में अपना नाम नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्या सीन है, इसका कुछ अभी पता तो मैंने किया भी नहीं है। एक्चुअली मैं सफ़र में था, घर आ रहा था, तो टाइम लगा नहीं देखने का। शाम को देखता हूँ क्या ऊपर नीचे हुआ है, क्यों यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। कुछ लोग का ये था कि भाई एक ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो अगर ये सीन है कि एक पोस्ट के लिए आपको एक ही बंदा चाहिए, तो फिर तो जो बंदे लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए हैं, जिनके भी जिस भी जोन में कट ऑफ से ऊपर हैं, फिर उनको लेवल 3, 2, 5 के एडमिट कार्ड इशू नहीं करने चाहिए थे। भाई अगर मुझे लेवल 6 में आपको पास करना है तो 5, 3, 2 के एग्ज़ाम करवाने का क्या मतलब है, एग्जाम एडमिट कार्ड मेरे इशू ही मत करो, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा नहीं। भाई सिंपल है, जब मुझे पास ही नहीं करना तो मुझे मेरे से एग्ज़ाम ही क्यों ले रहे हो, ऐसा कुछ है। बाकी कुछ पोस्ट प्रेफरेंस का भी लोचा हो सकता है। वैसे मैंने उस ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए टिक तो किया था कि हाँ ये 17-18 नंबर पे थी, ऐसे देखते हैं क्या लोचा होता है उसका और क्यों ऐसा हुआ, नाम उस पर क्यों नहीं दिया गया। और बहुत जल्द स्कोर कार्ड भी, हाँ कोलकाता रीजन का मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, वही 3 बजे के पहले की नहीं, 4 बजे के आसपास मैंने चेक किया था, तो उसमें मेंशन नहीं कर रहा था, डाटा एरर बता रहा था। अभी जैसे ही स्कोर कार्ड का लिंक ओपन होता है, मैं भी आपके साथ अपना स्कोर शेयर करता हूँ। आप सब भी जिसका भी हो गया है, जिसका नहीं हुआ है, अपना लेवल 5 में अच्छे से तैयारी करें। जिसका हो गया है वो अगर हो पाए तो अपना स्कोर कम से कम एटलीस्ट शेयर करें, ताकि एक आइडिया मिले कि कट ऑफ से कितना लोग ऊपर हैं, कितना लोग नीचे हैं, या कितना ऊपर हैं, कितने ऊपर हैं, ठीक है। 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर जो कोई इतना ऊपर है, अपना तो लगभग है भाई 75.66 कट ऑफ गया है, तो 92 है, लगभग 15-17 नंबर का गैप है। और साइको की तैयारी, जैसे आप लेवल 5, 3, 2 के एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, देन अपना साइको की तैयारी पे लग जाइए। जिसका साइको है, जिसकी टाइपिंग का है, टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। टाइपिंग का भी लोचा होता है, समय कम होता है, स्पीड ज़्यादा मांगते हैं, तो अगर आपने 2-3 महीने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी अच्छा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके 1-2 घंटा जिसका जैसा कैपेसिटी है, और साइको जिसका अच्छा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत से आते हैं साइको के, बुक्स मंगा लीजिए, जो पैटर्न परीक्षा में पूछा जा रहा है उसकी अपना तैयारी करिए। साइको की भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि साइको के भी 30% मार्क्स जुड़ने वाले हैं, और हर सेक्शनल भी उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। जो टी स्कोर होता है वो 42 नंबर उसमें भी चाहिए होते हैं। तो चलिए साइको की तो बाद में बात होगी, पहले लेवल CBT 2 आपका सबका हमारा भी क्लियर हो, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्कोर कार्ड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।